जय श्री कृष्णा। राजस्थानी किचन में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश जी को मोदक पसंद है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम बेसन, 250 ग्राम चीनी और ये कलर लिया है, आप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट इससे रंग बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए फिर हम इसके लिए घोल प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में बेसन डाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं हो। हम इसमें कलर ऐड कर देंगे। जो मोदक का बैटर होता है वो हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का ही बनाना है, ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है कि बहुत पतली नहीं है। चलिए अब हमारा बैटर तैयार है, हम इससे बूंदी बनाने की तैयारी करते हैं। चलिए अब हम चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम 2 बाउल पानी लेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हमें चीनी को पिघलने देना है, चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। हमारी चाशनी तैयार हो गई है, ये देखिए। एक तार बन रहा है, हमें चाशनी को इतना ही गाढ़ा रखना है। अब हम इसमें थोड़ी केसर मिला देंगे, ये ऑप्शनल है, इससे चाशनी का कलर बहुत अच्छा है। बूंदी बनाने के लिए आप घर में कोई सी भी इस तरह की जो गोल छेद वाली झारी है वैसी ले सकते हैं, इस तरह की झारी भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी बारीक बूंदी बनानी है तो आप इससे छोटे छेद वाली झारी भी ले सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बूंदी बनाने के लिए हम थोड़ा गहरे पैंदे की कढ़ाई लेंगे। आप फ्लैट कढ़ाई ना लें वरना आपकी बूंदी गोल नहीं बनेगी। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए कितनी गोल गोल बनी है, एकदम मोतियों जैसी। इन्हें ज्यादा नहीं पकाना है। देखिए हमारी बूंदी अच्छे से पक गई है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसका जो घी है एक्सेस वो हट जाएगा, वो निकल जाएगा। बनी है ना एकदम गोल गोल। जैसे जैसे आप बूंदी को घी से तल के निकालते जाएंगे वैसे वैसे आप इसे चाशनी में ऐड करते जाइए ताकि ये अच्छे से चाशनी पी ले। अगर बूंदी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो वो अच्छे से चाशनी नहीं पिएगी, फिर लड्डू हमारे मीठे नहीं लगेंगे।
देखिए हमारी बूंदी ने अच्छे से चाशनी पी ली है। जो एक्स्ट्रा चाशनी थी वो हमने स्ट्रेन कर ली है और एक बाउल में हमने अलग से निकाल लिया। आप इसे किसी भी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें मगज के बीज डालेंगे, इन्हें खरबूजे और तरबूज के बीज भी बोल सकते हैं, और थोड़ा पिस्ता। अब इसे मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गई है और अच्छे से ठंडी भी हो गई है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं और ये बहुत ही टेस्टी भी बने हैं। लड्डू को आप 10 से 12 दिन के लिए किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इनके नीचे कोई भी पेपर नहीं लगाएं, वरना इनका जो घी है वो पूरा पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए इन्हें आप ऐसे ही रख दीजिए और इसको ऊपर किसी भी फॉइल पेपर या फिर ढक्कन से कवर कर दीजिए। थैंक यू।